अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको पेटी वाले अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ये देखें, हमने ये दो पीस, ये पेटी का पीस लिया हुआ है और हमने तकरीबन ये एक गज़ का हमने पेटी का पीस लिया हुआ है, ठीक है। एक गज़ का पेटी का पीस लेने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस पेटी, सबसे पहले तो पेटी कटिंग करना है। बैक फ्रंट को आपने ऊपर नीचे तय लगा लेना है। तय लगाने के बाद आपने दोनों साइडों से इसको सीधा कर लेना है। ये फालतू जो हमारा ये धागे वगैरह नहीं करना है, ये ख़त्म हो जाएंगे। निशान लगा के सीधा आप इसको निशान के बराबर जो है वो कटिंग कर दें, निशान के बराबर आप इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद आपने इसकी लंबाई लेनी है, तकरीबन 13.5 इंच की आपने लंबाई रखनी है और यहाँ पर इसका तीरे का निशान लगाना है। 13.5 इंच की लंबाई रखने के बाद ये तीरे का आपने निशान लगाना है सीधा। निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपने जो है यहाँ पर इसको जो तीरे का निशान लगाना है वो लगाना है 7.5 इंच पर, 7.25 इंच पर, यहाँ पर लगाना है 7 इंच पर, ठीक है। 7.25 इंच पर ऊपर का तीरे का निशान और ये आपने जो आर्म होल का निशान 7 इंच पर लगाया है और इसको भी आपने जो है यहाँ पर भी 7.25 इंच पर निशान लगाना है। दोनों निशानों को आपने सीधा कर लेना है। चेस्ट का निशान लगाना है, चेस्ट हमने रखी है इसके 17 इंच पर और दोनों निशानों को आपने इस तरह से मिला देना है। ये निशान मिलाने के बाद फ्रेंड्स, आपने ये गले का निशान लगाना है ऊपर। गले का निशान लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से जो है वो क्रॉस कर देना है और नीचे से भी आपने इसको क्रॉस करना है। तकरीबन 1.25 इंच का आपने क्रॉस निशान लगाना है। हमारी जो है पेटी तकरीबन 12 इंच की या 12.5 इंच की पेटी तैयार होगी। इससे लंबी पेटी आपने नहीं रखनी। आर्म होल का निशान लगा दिया है, अब आपने आर्म होल मेजर करना है। ये हमारा आ रहा है 8 इंच, तो 7.5 इंच हमारा मोड़ा जो है इसका तैयार आ जाएगा। फ्रंट साइड उठानी है आपने, निशान के बराबर कटिंग करनी है। बैक साइड कटिंग करनी है 1.5 इंच फालतू। कमर का निशान लगाना है 7 इंच पर। कमर रखनी है तकरीबन 14.5 इंच। दोनों चेस्ट और कमर को मिला देना है तकरीबन 1.5 इंच का, तो बहुत छोटे कटिंग कर लें, हमारी पेटी कटिंग होगी। अभी नीचे आप इसका बैक फ्रंट तय लगा लें। देखिए, हमने बैक फ्रंट तय लगा लिया वेलवेट का। तय लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो हमने पेटी कटिंग की थी इसके ऊपर 1 इंच का चढ़ाकर आपने पेटी लगानी है। ये देखें, ये पेटी आ गई हमारी। पेटी लगाने के बाद आपने इसकी लंबाई मेजर करनी है। 38 इंच में हमने इसकी लंबाई रखनी है। निशान को, लंबाई वाले निशान को सीधा कर लेना है। घेरा रखना है मुकम्मल, जितना भी हमारा कपड़ा पड़ा है उतना आपने घेरा रख लेना है। ये कमर का निशान और निशान, कमर के निशान को घेरे के निशान को मिला देना है। कर्व की मदद से आप इन दोनों निशानों को मिला दें। मिलाने के बाद आपने इसकी गोलाई देनी है। यहाँ पर आ रहा है 41 इंच, 41 इंच पर आपने निशान लगाते जाना है। ये गोलाई हो गई हमारी। निशान के बराबर आप कटिंग कर लें, निशान लगाकर एक दूसरे निशानों को मिलाकर इस तरह से गोलाई में आप इसके निशान के बराबर कटिंग कर लें। ये कट हो गया, अब आपने 1.5 इंच का दबाव छोड़ के मुकम्मल कटिंग कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा फ्रॉक कटिंग हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।